हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मेनली बात करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो आप चीज़ों को विजुअलाइज करिए। जितना आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, आपको ज्योग्राफी समझने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ट्राई करा करिए कि चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओ, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा जितना इजी हो सकता है उतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ताकि आपको चीजें हर एक चीज अच्छे से समझ आए। यह है मेरा टेलीग्राम अकाउंट, जहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होने पर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं। 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ट्राई करिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करने की। हर कोई मुझे आंसर देगा कमेंट बॉक्स में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जब आप ये पूरा लेक्चर सुन लोगे आप इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, मतलब जो लेंथ है डे और नाइट का फ्रॉम सीजन टू सीजन, वो किस वजह से होता है। आपके ऑप्शन है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दूसरा है अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर, तीसरा है लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ द अर्थ, और चौथा है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन अ टिल्टेड एक्सिस। ये दूसरा क्वेश्चन है जो इसमें बोल रहा है विच अबव आर फॉलोइंग फॉर ब्रिंगिंग द डायनेमिक चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डायनेमिक चेंज लेके आता है हमारे अर्थ पे। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट या रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर हम ब्रेक डाउन करें प्रीलिम के क्वेश्चंस, तो मेनली इस पर आप ज्योग्राफी पे फोकस करिए, ठीक है। 2013 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 14, 14 में 10, 15 में 11, 16 में 4, 17 में 7 और 18 में 4। देखिए, इस पे मत जाइए आप दिखाने के लिए। देखो, जो यूपीएससी है इट इज अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हो सकता है कि जब आप 2022 का पेपर देने जा रहे हो 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएं, या हो सकता है 2 से 4 ही क्वेश्चन आए। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपका एज अ सिंसियर स्टूडेंट आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे से तैयारी करें और हर एक सब्जेक्ट को इक्वली रिस्पेक्ट दें और इक्वली पढ़ें, ठीक है। तो ये आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं, बस एक बार आपको दिखाने के लिए है। इससे मतलब ये मत करने लग जाना है कि ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे तो मैं पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है। तो देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। मैं फिर बता दूं आपको, ये जो ये वाले लेक्चर हैं ये फाउंडेशनल लेक्चर हैं। अगर इन लेक्चर्स को आपने अच्छे से समझ लिया, जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी जाएगा। तो प्लीज ध्यान से पढ़िए इनको। तो हमारा जो अर्थ है उसके दो मोशन है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। अभी के लिए जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, इनको भूल जाइए, ठीक है। इन दोनों को भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए, बस इस पे फोकस करिए। ऊपर के जो बॉक्स है, रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो रोटेशन होता है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे करता है, और जो रेवोल्यूशन होता है इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देख लेते हैं, समझते हैं। जो मोशन है वो दो तरीके का है, एक है रोटेशनल मोशन, ठीक है, और एक रेवोल्यूशन मोशन, ठीक है। अगर रोटेशन की बात करें तो देखिए, ये जो अपनी एक्सिस पे घूमता है अर्थ, जब अपनी एक्सिस पे घूमता है तो इसको कहते हैं हम रोटेशन मोशन, और जब ये सन के इर्द गिर्द घूमता है तो इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन मोशन। क्लियर है इतना? जब अपनी एक्सिस पे घूमता है तो उसको कहते हैं रोटेशन मोशन, और जब सन के इर्द गिर्द घूमता है तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन मोशन। क्लियर हो गया, ठीक है। यही हमारी डेफिनेशन में भी लिखा है, रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन, ठीक है, मतलब सन के इर्द गिर्द घूमता है तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है रोटेशन। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए, सबसे पहला जो रोटेशन होती है वो अपनी एक्सिस पे होती है, और रेवोल्यूशन होती है सन के इर्द गिर्द। ऑर्बिट होती है हमारे अर्थ की, वो दो होती है, एक होती है सर्कुलर और एक होती है एलिप्टिकल। देखिए, समझिएगा, सर्कुलर मतलब क्या होता है, सर्कुलर मतलब होता है मान लीजिए ये कोई बॉडी सेंटर है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो घूम रही है इसको कहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, इसको कहते हैं सर्कुलर। और एलिप्टिकल क्या होती है, मान लीजिए सेंट्रल बॉडी है कोई, इसके जो इर्द गिर्द ऐसे करके घूमे जिसका जो रेडियस है वो समान ना हो, एक जैसा ना हो, उसको कहते हैं हम एलिप्टिकल। मान लीजिए ये हमारा सन है और ये जो हमारी अर्थ है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इसका जो रेडियस है ये अलग है, इसका जो रेडियस अलग है, इसका जो रेडियस अलग है, मतलब जिसका जो रेडियस घूमने का वो सेम ना हो उसको कहते हैं हम एलिप्टिकल मोशन। इतना क्लियर हो गया? तो हमने अभी तक तीन चीजें डेवलप कर ली,
क्या डेवलप कर ली, रोटेशन सीख लिया हमने, क्या होता है अपनी एक्सेस पे होता है, रेवोल्यूशन सन के अराउंड होता है, और रेवोल्यूशन होता है वो एलिप्टिकल मोशन में होता है। इतना क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे रोटेशन को और अच्छे से देखते हैं। अर्थ रोटेट्स अलॉन्ग इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको ये तो पता होगा जो हमारा अर्थ है वो किससे कैसे घूमता है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ घूमता है। इतना क्लियर हो गया? एंड अप्रोक्सीमेटली टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन। और मान लीजिए अगर यहां से चला था ये, इसको घूमकर यहीं पर आने में कितने घंटे लगते हैं, मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? घूमकर अपनी एक्सेस पर आने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। अगर मैं और भी स्पेसिफिकली बात करूं तो इसको लगते हैं टोटल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसको ज्योग्राफर्स जो थे इन्होंने एक टर्म यूज करी थी, साइडेरियल पीरियड। अब देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और चीजें समझने की कोशिश करना। ठीक है, डे एंड नाइट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जो डे है वो रोटेशन की वजह से होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करी थी ना, मैंने आपको बताया था जो एक लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री, और हर 15 डिग्री पे जो एक घंटा है वो बढ़ता या घटता रहता है। अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये है हमारा सन। मान लीजिए ये वाला लॉन्गिट्यूड है, सबसे पहले जो सन की रोशनी इस पे पड़ रही है। अब जैसे जैसे हमारा जो अर्थ है वो घूमेगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, तो लॉन्ग जो अलग दूसरे लॉन्गिट्यूड है ये सामने आते रहेंगे। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड सामने आता रहेगा वो दिन क्या, जो वो लॉन्गिट्यूड क्या विटनेस करेगा, दिन है ना, ऐसे ही। और जैसे जैसे पूरा घूमता रहेगा ये हमारा जो दिन और रात का जो फिनोमेना है वो चेंज होता रहता है। अब एक और मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। मान लीजिए ये मैं इसको पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ये है 1 और ये है 2। एक दूसरी कंडीशन बना लेता हूं, मान लीजिए ये हमारा अर्थ, ठीक है, और ये सन, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, तो जब ये वाली जो साइड है जब ये विटनेस करेगी सूरज को तो यहाँ पे क्या होगा, दिन, और ये वाली साइड क्या विटनेस करेगी, मून। अब जब यही घूम के रिवर्स हो जाएगा तो जो 2 है, जो 2 है वो क्या विटनेस करेगा, रात, और जो 1 है वो क्या विटनेस करेगा, दिन, है ना। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ घूमता रहेगा तो दिन और रात का फिनोमेना बदलता रहेगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक चीज ये आ जाती है कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये हमारा सन है और ये क्या है जो उसका एक्सेस है, और ये अपनी एक्सेस पे घूम रही है ना। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज क्या आ जाती है कि जो हमारी अर्थ है ये थोड़ी टिल्टेड है, तो अब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे करके है। ठीक है, क्यों, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है हमारी अर्थ, 23.5 डिग्री का विद द नॉर्मल एंगल। क्लियर हो गया? ये देख लीजिए आप हाईलाइटेड में जो लिखा हुआ है, एंगल मेक्स विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल हमने किसको दर्शाया है, ये रहा, ये वाला जो हमारा लाइन है ये नॉर्मल है, और जो ये वाला है ये क्या है, हमारा जो टिल्टेड वाला एक्सेस है उसको। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही कितने डिग्री पे ड्रॉ होते हैं, 23.5 डिग्री पे। वो क्यों होते हैं 23.5 डिग्री पे, इसी टिल्टेड एक्सेस की वजह से। अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो हमारा जो रेवोल्यूशन है वो इट टेक्स 365 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये हमारा सन है और ये है हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन। मान लीजिए यहां से जो अर्थ था उसने स्टार्ट किया था घूमकर यहीं पर आने में, उसको लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। क्लियर है? क्यों, क्योंकि 24 घंटे 6 चौक कितना होता है 24, तो 24 दिन मिला के एक दिन बनता है, 24 घंटे मिला के एक दिन बनता है। तो इसीलिए हर 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर ऐड हो जाता है फरवरी में। ठीक है, याद रखना, इसीलिए जो फरवरी है उसमें 29 दिन होते हैं। पिक्चर को ध्यान से देखिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये सन है हमारा, ठीक है, और ये जो क्या है अपनी सन रेज दे रहा है। ठीक है, और जहां पे होगा वो क्या विटनेस करेगा, सन का रोशनी, है ना। अब मान लीजिए मैं पॉइंट जो मार्क कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए पॉइंट 1 है और ये क्या है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3 और ये है पॉइंट 4। अब देखिए अगर मैं डायग्राम ऐसे करके बनाऊं तो ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3 और ये है पॉइंट 4। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन एंड द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री पर टिल्टेड है, 23.5। क्लियर है इतना? अब मैं ड्रॉ करूं, अगर मान लीजिए ये है हमारा इक्वेटर, मान लीजिए, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गया? अब जो सन की रेज है वो पढ़नी तो इक्वेटर पे चाहिए थी, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये यहाँ पे है, पढ़नी तो इक्वेटर पे चाहिए थी, पर ये डायरेक्टली पढ़ेंगे किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हमारा जो ये वाला जो हिस्सा है ये विटनेस करेगा समर, है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये विटनेस करेगा विंटर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, समर सॉलिस्टिस।
जहाँ पे जो हमारा दिन होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और जो नाइट होती है शॉर्टेस्ट होती है। देख लीजिए, एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स एज द विंटर सीजन। जो समर सॉलिस्टिस है वो मेनली होता है 21 जून से, 21 जून ये मतलब ऐसा डेट है जब जो हमारी सन की रेज है वो डायरेक्टली किस पे फॉल होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और नाइट आर लॉन्गर, द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। और इसी को क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टिस। मैंने आपको बताया था ना, जब जो रेज है वो डायरेक्टली किस पे पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उसको क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टिस। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए यहाँ पे इस जो डायग्राम है इसको देखिए बहुत ध्यान से। जब हमारी जो ये मान लीजिए ये रहा हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब हमारी जो सन की रेज है डायरेक्टली इस पे पड़ रही है तो ये है समर सॉलिस्टिस, और जब सन की रेज डायरेक्टली इस पे पड़ रही है तो इसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। इतना क्लियर हो गया? चलिए, और ये डेट भी याद रखना कि जो समर सॉलिस्टिस है 21-22 जून को होता है और विंटर सॉलिस्टिस होता है 21-22 दिसंबर को, इतना ये भी याद रखना। अब देख लेते हैं विंटर सॉलिस्टिस को क्या कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एंड साउथ पोल टूवर्ड इट। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो जैसे मान लीजिए ये कंडीशन यहाँ पे थी समर सॉलिस्टिस में, जो विंटर सॉलिस्टिस में सेम यही होगा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ये वाला पॉइंट है अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट सन रेज रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सन, इसी को हम नाम दे देंगे विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, और ये कब होता है, 22 दिसंबर, 21-22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हमारी जो डायरेक्ट सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ठीक है, अब इक्विनॉक्स के बारे में समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था ना, मैंने नंबर लेबल किया था, ये था 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो नंबर 3 था, मान लीजिए ये नंबर 3 है और ये है नंबर 4, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 3। जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो उसी को हम बोल देते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये दो कंडीशन में बनता है, सबसे पहले 21 मार्च को और दूसरा 21-23 सितंबर को, जब हमारी जो सनरेज है डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर। ठीक है, जिसने हम क्या विटनेस करते हैं, इक्वल डे और इक्वल नाइट, ये भी याद रखना। और एक चीज और याद रखना, जो आपको डेट आपको याद रखनी है, जो 23 सितंबर होता है इस दिन जो नॉर्थ में होता है ये ऑटम सीजन होता है और साउदर्न में होता है स्प्रिंग सीजन, और 21 मार्च को जो नॉर्थ में होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है और साउदर्न में होता है ऑटम। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन हमने देखा। जो रोटेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अपनी एक्सेस पे घूमता है, और जो रेवोल्यूशन होता है वो सन के अराउंड होता है, और जो रोटेशन होता है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है, और रेवोल्यूशन क्या होता है, 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट होता है। रोटेशन मैंने बताया था ना, जो रोटेशन होता है वो कितने डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे, और जो अर्थ है वो इलेप्टिकल मैनर में ऑर्बिट करता है सन के अराउंड। और एक चीज और डेवलप करी हमने कि जो रोटेशन होती है उसकी वजह से हमको क्या देखने मिलता है, दिन और रात का फिनोमेना, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या देखने मिलते हैं, हमको सीजनल चेंज देखने मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे सन के अराउंड हमारा जो अर्थ है रोटेट करता रहेगा, जो सीजन है हमारे, जैसे जो जितने भी सीजन है वो सीजन जो चेंज होते हैं वो हमारे रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज। सबसे पहले हमने देखा रोटेशन क्या होता है, फिर देखा रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन में देखा रोटेशन क्या करता है, सबसे पहला अपनी एक्सिस पे होता है और दिन और रात का फिनोमेना चेंज करता है। फिर हमने देखा रेवोल्यूशन क्या होता है, इलेप्टिकल मैनर में होती है, और इससे क्या होता है, जो हमारा सीजन है इसमें चेंज देखने मिलता है। फिर हमने देखा समर सॉलिस्टिस, देखा क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस देखा, और इक्विनॉक्स देखा। इतना क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हम लेक्चर आज खत्म कर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।